पूरे रूम का आपको दिखाता हूँ व्यू, कितना प्यारा रूम है। शाम के अभी अभी तो मेरी घड़ी में तो इंडिया का ही टाइम चल रहा है, इंडिया में बज गए अभी 5:30 सुबह के। ग्रैंडियर ऑफ द सीज पे मैं जा रहा हूँ और छोटे शिप पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। ये देखो ये होटल है यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं, अभी शिप को सिर्फ बोर्ड करना बाकी है और यहाँ पे 3 दिन के लिए अभी क्वारंटीन रहना पड़ेगा। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत कुछ लर्न करना है। अभी हैं होटल में गाइस, देखो रिसेप्शन की लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ से रूम की लेनी है और फिर जो रूम में जाना है और आराम करना है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 24 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद अभी मैं पहुँच गया हूँ होटल में और बहुत ही प्यारा रूम है। देखो आपको रूम दिखाता हूँ, एक रूम का छोटा सा टूर देता हूँ आपको कर रहा हूँ। और क्या है कि शेयरिंग नहीं है किसी के साथ। ये कबर्ड है आपका, बैग वैग रखना हो तो। और ये देखिए बाथरूम है, लाइट चला देता हूँ। लाइट इसमें शायद की डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, बहुत प्यारा सा रूम है। पर अभी तो इतनी थकान हो रही है कि बस मन कर रहा है लेट के अभी सो जाऊं, पर भूख भी लग रही है तो पहले कुछ खाएंगे, पहले नहा धो लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखो टीवी, क्या ज़बरदस्त बड़ा टीवी है, टेबल है, कॉफ़ी मशीन, पानी भी है, कप बेड, लैंप है। ये देखिए कितना प्यारा रूम है, ये देखिए पूरे रूम का आपको दिखाता हूँ व्यू, कितना प्यारा रूम है। ये होटल है मैरियट हॉस्टन में और एयरपोर्ट से करीब 20 मिनट्स की ड्राइव रही होगी, 20 मिनट्स लगे हमें यहाँ तक आने में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉफ़ी वगैरह है। अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, नहाता हूँ और उसके बाद फिर खाना वाना देखता हूँ, डिनर देखता हूँ। शाम के अभी तो मेरी घड़ी में तो इंडिया का ही टाइम चल रहा है, इंडिया में बज गए अभी 5:30 सुबह के। चलो थोड़ी देर में घर भी कॉल करूँगा वाईफाई कनेक्ट करके। चलो पहले खाना खाने चलते हैं, शाम हो गई है, डिनर के लिए जाते हैं। 10 बजे तक ही डिनर रहता है और वैसे भी 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, शाम हो ही चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा रेस्टोरेंट है। तो ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5 बजे हैं और 6 बजे मुझे निकलना है, तो 5 बजे का अलार्म लगाया था, 5 बजे का अलार्म लगा के उठ गया हूँ, उठ के कॉफ़ी भी बना। ये देखो यहाँ पे, अरे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, एक लाइट कम की हुई है ना, ये देखो एक कॉफ़ी बना ली है। और अभी एक शर्ट और एक ट्राउज़र को आयरन करना है, आयरन करके फिर रेडी हूँ और फिर जाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे। नीचे ब्रेकफास्ट है लॉबी में, बुफे है, तो वहाँ से 6 बजे का पिकअप है, तो 5:30 बजे के आसपास सोच रहा हूँ जाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद चलते हैं शिप पे, आज आपको लेके चलता हूँ, लास्ट टाइम आपको लेके गया था दुनिया के सबसे बड़े शिप पे और आज बिल्कुल इसका अपोजिट है, हमारे जो कंपनी का जो फ्लीट का सबसे जो छोटा शिप है उस पर मैं जा रहा हूँ, ग्रैंडियर ऑफ द सीज पे मैं जा रहा हूँ। और छोटे शिप पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा शिप बहुत बढ़िया होता है। मैंने तो करियर की शुरुआत तो छोटे शिप से ही की थी, फिर बीच में बड़े शिप पे गया और अभी वापस से छोटे शिप पे। तो आइए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ, जर्नी शुरू करते हैं। रेडी हो गया हूँ मैं और अब निकलते हैं शिप के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं पहले नीचे और फिर जाते हैं शिप। अभी हमारी बस तो आई नहीं है, तो अभी तो यहाँ पर पार्किंग लॉट है, यहीं पर घूम रहा हूँ। ये देखो ये होटल है यहाँ पे रुका था एक रात के लिए और अब सिर्फ शटल का वेट कर रहा हूँ, जब भी शटल आ जाएगी अपना बैठ के निकल लेंगे शिप के लिए।
ये तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी निकल गए हम लोग होटल से शिप के लिए। ये देखो ये शटल है और हर सीट पे एक ही बंदा बैठा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। गाइज एक घंटा हो गया चलते चलते, लगता है बहुत दूर है ये होटल से, तो ना करीब एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया चलते हुए, और अभी भी थोड़ी दूरी लग रहा है क्योंकि अभी भी कोई सी कोस्ट वगैरह तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद अभी लग रहा है कि थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, क्योंकि शहर जो है वो ख़त्म हो गया। ये देखो कितने ही ना, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि रेल के इंजन का कारखाना है, पूरा फैक्ट्री जैसा लग रहा है एरिया। तो बहुत सारे ट्रेन के जो हैं इंजन्स हैं, यहाँ पे डब्बा एक भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ इंजन ही इंजन दिखाई दे रहे हैं ट्रेन के, और हैं ये काफ़ी पुराने बट फिर भी सही लग रहा है कंडीशन में। देख लो कोई सेकंड हैंड किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। और फाइनली गाइस ये देखो अभी मुझे मेरा शिप दिखाई दिया जिस पे मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये ओएसिस से कितना छोटा है ना, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो था शिप वो तो कितना बड़ा था, इससे कम से कम भी 3 गुना बड़ा है वो शिप। चलो जो भी है यही है, अब तो यही अपना घर है 6 महीने के लिए। ये देखो ये पूरा शिप का व्यू आप देखो, आगे एक और शिप खड़ी है, कार्निवाल की शिप, और शायद आगे से घूम के ही आना पड़ेगा टर्मिनल में, क्योंकि यहाँ से तो कोई कट दिख नहीं रहा है। आगे से घूम के आएंगे टर्मिनल में, और अभी जा रहे हैं हम लोग टर्मिनल में। टर्मिनल में फिर जो है थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है मेडिकल से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं, जो नॉर्मल साइन ऑन की फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे शिप पे गाइस। तो अभी उतरने वाले हैं हम इस बस से और अभी हम जाने वाले हैं शिप पे। हाँ देखिए 26 को फिर बाहर, 25 को बाहर, 25 को रहेगा। ये देख लो गाइस सबसे पहले सबसे बड़ा शिप दिखाया था, अभी देखो सबसे छोटी शिप है फ्लीट की। तो फाइनली गाइस कड़ी मेहनत के बाद और लगभग पूरे एक दिन से ज्यादा की ट्रेवलिंग के बाद मैं अभी पहुंच गया हूँ शिप पे, और यहाँ पे 3 दिन के लिए अभी क्वारंटीन रहना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने के लिए 3 दिन के लिए अभी क्वारंटीन है। पहले तो 14 दिन क्वारंटीन था लास्ट टाइम जब साइन ऑन हुआ था। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सा रूम है, छोटा है थोड़ा ओएसिस से क्योंकि ये छोटी शिप है, और छोटी शिप पे थोड़ा पुराना पुराना सा लगता है, ओल्ड स्टाइल, बट फिर भी बहुत बढ़िया है। 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। अभी वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम तो जैसे पहले भी आपने देखा होगा, शिप का वॉशरूम तो जैसे कि फ्लाइट का वॉशरूम होता है वैसे ही होता है, शावर, और ये इधर सिंक है। तो ये हो गया एक छोटा सा टूरिस्ट रूम का, और बालकनी यहाँ पे है नहीं, पोर्ट होल है यहाँ पे, पोर्ट होल क्या विंडो है। ये देखो अभी हम पोर्ट ऑफ गैल्वेस्टन में हैं टेक्सास। ये भाई साहब फोकलिफ्ट लेके खड़े हैं, लोडिंग चल रही है ना अभी, आज टर्न अराउंड डे पे लोडिंग वगैरह का काम रहता है। 3 दिन तो पूरे ट्रेनिंग्स में और उत्सव में निकल जाएंगे, और इस बार तो पोजिशन भी दूसरी चेंज की है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत कुछ लर्न करना है। तो स्टे ट्यून विद मी गाइस, ये थी जर्नी यहाँ पे शिप तक पहुँचने की। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब यट।